ओके जी, दोबारा आगाज़ करते हैं। सिलेबस आपके सामने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैंने लिखा है जी। इस सब्जेक्ट को जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, कॉस्ट फ्लो, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन। असल में देखा जाए तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है इसमें दो चीज़ें हैं, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसके अंदर हमें यह बताया जाएगा कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, कॉस्ट कैलकुलेट करना। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग देख रहे होंगे कि चीज़ों के डिसीजंस कैसे लेने हैं। फॉर एग्जांपल डिसीजन किस तरह के हो सकते हैं कि चीज़ें घर में बना ली जाएँ कि बाहर से खरीद ली जाएँ। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस चलता रहे या बिजनेस को बंद कर दिया जाए, चीज़ यहाँ से खरीदनी है कि वहाँ से खरीदनी है, इस तरह के डिसीजंस हम यहाँ पर ले रहे होंगे। तो बेसिकली आपका वैसे तो सब्जेक्ट के अंदर दो हिस्से हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन आईकैप ने आपकी जो मार्क्स की ग्रिड है उस हिसाब से इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली जो आपका फर्स्ट हिस्सा है कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, इसमें जो इसने मार्क्स एलोकेट किए हैं वो हैं 35 से 45, 35 से 45 मार्क्स का पेपर जो है वो इस हिस्से से आता है। फिर है जी कॉस्ट लो, इसकी वेटेज है 20 से लेके 30 मार्क्स तक। और जो लास्ट है जी कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन, इसके लिए आईकैप ने 30 to 40 मार्क्स की एलोकेशन रखी हुई है। ओके, ये दो हिस्से कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं और ये वाला हिस्सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आता है। ठीक है जी, तो आपका जो आईकैप का ग्रिड है वो इस तरीके से इन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ। अब कुछ बातें पेपर के मुतालिक आपके साथ कर लेता हूं, फिर जो आप लोगों की कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने अक्सर कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के मुतालिक सुनी होगी अपने सीनियर से कि पेपर ऐसा है पेपर वैसा है, वो भी बात आपके साथ कर लेते हैं। देखिए, जहां तक तो ताल्लुक है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला हिस्सा है वो तो कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, आसान इसलिए है कि वहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूलाज मौजूद हैं, कुछ हमारे पास सेट पैटर्न्स मौजूद हैं, इन चीज़ों की बेस पर आप ये काम कर लेते हैं। आप लोगों ने इंट्रो पढ़ ली, माशाल्लाह पास भी होने वाले होंगे, पेपर दिए हैं आप लोगों ने पीआरसी के, और अब आपने FAR 1 का आगाज भी आज से कर दिया है। ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका भी डिफरेंस मैंने आज आपको बताना है, इसके 8-10 डिफरेंसेस होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा कि दोनों अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। फिलहाल इतनी बात समझें कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, इंट्रो आपने पढ़ी, FAR 1 आप अभी पढ़ रहे हैं, आगे जाके FAR 2 पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे अक्सर आपने सर के मुंह से सुना होगा कि जी IS 1 है, IS 2 है इन्वेंट्री का, IS 7 है कैश फ्लो का, IS 16 है डेप्रिसिएशन का, जो आप लोगों ने पढ़ा उनके रूल्स थे, उनके कुछ फार्मूलाज थे, उन पैटर्न्स को देखते हुए आपने सारी कैलकुलेशंस की थी। यहाँ पे ना ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हमें हो जाती है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड्स कोई भी रूल्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी करना होता है वो सवाल को देख के करना होता है। कुछ लोग कह देते हैं कि जी चीज़ ऐसे 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 होनी चाहिए, कुछ लोग कह देते हैं नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो ये चीज़ कैसे पता लगेगी, ये सवाल देख के हमें पता लग रही होगी। लेकिन बहरहाल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फिर भी हमारे पास कुछ थोड़े बहुत फॉर्मेट्स मौजूद हैं, थोड़े बहुत हमारे पास रूल्स मौजूद हैं जिनको देखते हुए हम किसी भी चीज़ की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ये प्योरली एरिया है डिसीजन मेकिंग का, यहाँ पर आप डिसीजंस ले रहे होंगे। अब डिसीजंस अगर हम आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के डिसीजंस ले रहे हों तो छोटे छोटे डिसीजंस हम बेशुमार ले रहे होते हैं। लेट्स अज्यूम फैसला हुआ कि आज घर से बाहर खाना खाना है, किस रेस्टोरेंट से खाना है, पहला डिसीजन। आसान डिसीजन, मुश्किल डिसीजन? मेरे ख्याल में मुश्किल डिसीजन, जितने ज़्यादा खुल चुके हैं रेस्टोरेंट्स मुश्किल डिसीजन। किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, मुश्किल डिसीजन। किस टीचर से पढ़ा जाए, मुश्किल डिसीजन। कितने पेपर रखे जाएँ, मुश्किल डिसीजन। किस टाइम पढ़ा जाए, किस टाइम सोया जाए, मुश्किल डिसीजन। ये सब डिसीजंस हैं जो आप डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं और आप एक दिन में शायद हज़ारों डिसीजंस भी ले रहे हो। ओके, तो इसका मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ये वाकई में थोड़ा सा टेक्निकल है और यहीं पर आगे स्टूडेंट सबसे पहले फंस जाता है। ओके, आप लोग कैफ में कितने लोग ऐसे हैं जो कैफ का पेपर फर्स्ट टाइम देंगे? मोस्टली लोग कैफ का पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होना है जी। ठीक है जी, रिटर्न एग्जाम होगा आपका। आपको जो आईकैप ने पीआरसी में एक अदर लॉलीपॉप दिया था वो उसका अख्ताम हो गया जी। वो आपके लिए एक रेड कारपेट था जो आईकैप ने आपको फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था और आप उस जाल में बखूबी काबू आ गए हैं। 5 पेपर थे आपके,
कंप्यूटर बेस्ड थे, एमसीक्यू बेस्ड थे, बड़ी आसानी से आपने अपनी डेट शीट भी खुद डिसाइड की, वक्त भी खुद डिसाइड किया, सेंटर भी खुद डिसाइड किया, और आपको लगा कि आईकैप तो बना ही मेरे लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, उसने सिर्फ एक आपको जो है ना एक जाल बिछाया था जिसमें आप फंस चुके हैं, और अब आपको माशाल्लाह वो पास भी कर देगा। ऐसी बात नहीं है कि पास नहीं करेगा, वो पास भी करेगा, वो पक्का फंसाएगा आपको कि अभी ये वापस भी ना जा सकें, वरना ना ला ना करे पेपर ऊपर नीचे हो जाए, बंदा कहता चलो छोड़ो दफ़ा करो सी, वो ऐसा भी नहीं करेगा, कहेगा इनको पास कर दो। और इस दफ़ा तो सुना है पेपर भी बड़े आसान थे, जिन लोगों ने पीआरसी के पेपर दिए मैंने सुना है आसान थे। तो एनीवेज अल्लाह कामयाब करे आप सबको। अब आप आ गए हैं कैफ में, यहाँ पे आगाज़ होगा बाकायदा एक जंग का। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, और यहाँ पे जितने भी पेपर्स हैं आपके वो सारे के सारे रिटर्न पेपर्स हैं। जिस तरह आप मैट्रिक में या एफएससी में जाते थे, एक आपका सेंटर बनता था बाकायदा, और आप सेंटर में जाते थे आपको एक आंसर शीट दी जाती थी, एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, सब कुछ अब वैसा ही होगा। ठीक है जी, आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा 3 hours and 15 minutes का। ओके, सुबह 9 बजे से लेके 12:15 बजे तक। जब आप 9 बजे सेंटर में एंटर होंगे तो 9 बजे से लेके 9:15 तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा जी, क्वेश्चन पेपर। आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर थमा दिया जाएगा, जो कि 15 मिनट आपने देखना होगा। उसमें सवाल कितने होंगे ये तो बात की बात है, अभी वो भी पेपर पैटर्न भी डिसाइड करते हैं। फिलहाल आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आप उस सवालों को देख रहे होंगे, और यही 15 मिनट शायद आपके मुस्तकबिल का फैसला भी कर देंगे। ठीक है, आपको पता लग जाएगा अपने पड़ोसी की शक्ल देख के, जो इस तरह बैठा होगा, और इस तरफ जो पड़ोसी बैठा होगा उसकी शक्ल देख के, दोस्त बैठे होंगे उनकी शक्लें देख के, कि क्या हम अगली दफ़ा भी क्लासें ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ठीक है, तो बहरहाल 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है, कि आपने इन 15 मिनट के अंदर अंदर अपना क्वेश्चन पेपर जो है उसको रीड कर लेना है। उसके बाद 9:15 पे आपको आंसर शीट्स दी जाएंगी, और वहां से आपने फिर लिखने का आगाज करना है। ब्लैक पेन इस्तेमाल होता है जी यहाँ पे, इसके अलावा कोई और पेन आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश ही होगी, बल्कि होना भी ऐसे चाहिए, कि आप लोग अपने पास ब्लैक पेन ही रखा करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस ब्लैक पेन से ही हो। तो आपने 9:15 बजे आंसर लिखना शुरू करना है, और आपका जो टाइम ख़त्म होगा मैक्सिमम वो 12:15 तक होगा, यानी 3 घंटे तक का आपका पेपर होगा। चूँकि 100 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे हैं, इट मीन्स 180 मिनट्स। 3 घंटे में इतने मिनट्स बनते हैं ना, तो अगर हर नंबर के लिए मिनट्स देखे जाएं, तो क्या डिवाइड किया जा सकता है 100 से? इट मींस के हर मार्क्स के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स हैं। तो अगर आपका सवाल 10 नंबर का है, तो इट मींस के 10 × 1.8 आपके पास 18 मिनट हैं 10 नंबर का सवाल करने के लिए। अगर आपने 18 से ज़्यादा लगा दिए, तो इसका मतलब है कि आपका पेपर नामुकम्मल रह जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या ये बात सबको समझ आती है? ओके, तो ये तो कुछ बात होगी पेपर के बारे में। अब सबसे बड़ी बात, इस पेपर में मुश्किलात क्या आती हैं? आप लोगों ने सुना होगा इस पेपर के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा। आप चूंकि पीआरसी से आए हैं, पीआरसी के आपके बेशुमार दोस्त होंगे, 100, 200, 300 दोस्त तो आपके होंगे, और ये रवायत बन चुकी है, लिटरली रवायत बन चुकी है, कि स्टूडेंट जो है जब वो पीआरसी से कैफ में आता है तो वो 3 पेपर उठाता है। ऐसे ही है, और मुझे उम्मीद है कि आप में से मोस्टली लोगों के 3 पेपर ही होंगे। है कोई 4 वाला? माशाल्लाह, कुछ 2-4 निकले हैं। पिछली क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट था 4 वाला, और वो भी अच्छा, ओके, वो भी सिनेरियो जरा और था। एनीवेज छोड़े, तो इसका मतलब ये है कि 4 वाले बहुत कम हैं। ये 3 वाले कौन कौन से हैं? मेरी जरा गुफ्तगू से होगी थोड़ी देर, ये 3 वाले कौन कौन है? कोई 1-2 जरा हाथ खड़ा कर दें। हाँ भाई, क्यों 3 उठाए, 4 क्यों नहीं उठाए जी? कौन कौन से 3 पेपर उठाए? CMAR, तो बी लॉ का कोई क्या कसूर था उसका? अच्छा, वो भाई ने फर्क करा दिया है, ये तो सिनेरियो ही और है। इसके अलावा जिन्होंने भी बी लॉ का पेपर ना दिया, कोई है ऐसा? ओके, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, वो जब कैफ में आता है ना, उसने सीनियर से सुना होता है कि CMAR नहीं, CMA तो पेपर ही फर्क है। पेपर तो यही फारे, इसको पढ़ाने वाला भी फारेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो यार, इसको छोड़ दो। आप ना R1 टैक्स और बी लॉ कर लो, पहले ये 3 पेपर उठा लो, उसके बाद ना अगली अटैम्प में फिर देखना CMA उठाने के लिए उठाना। वो भी शायद इस वजह से उठा लेते हैं कि उसके बगैर आप MFA में नहीं जा सकते, वरना शायद वो दूसरी अटैम्प में भी ना उठाए, इसको आखिर पर रखें, इसको आखिर पर रखें। स्टूडेंट की साइकी ना ये बनी हुई है,
तीन साल पीछे जाते हैं, तीन साल या दो साल, तीन साल पीछे जाते हैं, आपका ये सब्जेक्ट है कैफ थ्री। ये सब्जेक्ट भाई पहले हुआ करता था कैफ एट, पता है आप लोगों को, ये पहले कैफ एट हुआ करता था। यानी कैफ में गालिबन नौ सब्जेक्ट्स थे, कैफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वहां पे ना स्टूडेंट्स बड़े खुश रहते थे कि चलो पहले कैफ वन टू थ्री हो गया, फिर फोर फाइव सिक्स हो गया, और एंड पे सेवन एट नाइन, यानी आठवां है तो चले एंड पे जाके हुआ। लेकिन जब ये एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई तो आपका ये सब्जेक्ट कैफ एट से उठ के कैफ थ्री में आ गया, यानी कि ये शुरू के पेपर्स में आ गया, और यहीं पे आके प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रॉब्लम शुरू यहाँ पे आके हुई। अब हुआ क्या कि आप जिनसे मशवरे करते थे वो लोग जिन्होंने कैफ एट पढ़ावा था एंड पे, ओके। लेकिन अब ये आ गया शुरू में, उन्होंने कहा ना भाई शुरू में ना पढ़ना इसको, तो एंड में ही पढ़ना। तो एक वजह तो ये हो गई कि स्टूडेंट इससे ना थोड़े से जरा घबराने लग गए कि नहीं यार इसको तो शुरू में पढ़ना ही चाहिए। वहां से बेसिकली आपके ना इस सोच का आगाज हुआ ये पेपर मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद सीनियर्स ने कहा कि भाई ये तो पेपर समझ में ही नहीं आता। अब मसला ये है कि पेपर समझ में आता है, मसला है अंग्रेजी समझ में नहीं आती। क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके अंदर ना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसके अंदर कोई रूल्स नहीं है। स्टैंडर्ड और रूल्स ना आपको सवाल बताएगा, सवाल बताएगा कि आपने सवाल करना कैसे है। यकीन करें, यकीन करें, जिस बंदे को सवाल समझ आ जाता है ना उसका 80% सवाल हो जाता है। आप ये खुद देखेंगे जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा, हम सवाल करेंगे, आपको खुद अंदाजा होगा कि जैसे जैसे ये सवाल हम पढ़ते जाते हैं, सवाल हमें समझ आता है, हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। लेकिन मसला सवाल होता है अंग्रेजी में, और अंग्रेजी हमारा कौमी मसला है, वो हमें नहीं आती। और जब अंग्रेजी हमें नहीं आती, हम सवाल को पिक नहीं कर पाते और वहीं पर सवाल सारा फारिग हो जाता है, और हम कहते हैं यार हमने क्या पढ़ा था और ये क्या आ गया। आपको क्लास में बारहा बताया जाएगा कि भाई ये फॉर्मूलाज हैं, ये रूल्स हैं, आपने ये करना है, लेकिन उस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए आपको सवाल का सहारा लेना पड़ेगा। वो कहता है कि भाई मैंने कॉस्ट निकालने के लिए ये चीज़ें शामिल करनी है, तो आपने सवाल पढ़ के ही आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ें शामिल होनी है कि नहीं। अब सवाल होगा अंग्रेजी में और वो सवाल हमें समझ नहीं आएगा और हमारा सारा सवाल वहीं पे फारिग हो जाएगा और हम फिर कसूर दे देते हैं सब्जेक्ट को। ऐसा नहीं है, सिर्फ मसला अंग्रेजी का होता है। तो इसीलिए हमें अंग्रेजी इंप्रूव करनी है। अगर हमारी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाए, यकीन करें आपका ये सब्जेक्ट खुद ही पास हो जाए, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है। मेरे पे यकीन ना करें, इंशाल्लाह जब हम अगले कोई 10 12 15 दिन बाद सवाल करने होंगे आईकैप लेवल का, तो आपको खुद इस चीज़ का अंदाजा हो जाए, ठीक होगी बात, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज, इस पेपर में फेलियर की रेशो ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी। दो वजूहात है, एक तो हमें सवाल समझ नहीं आता, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, दूसरा ये मसला है भाई हम टाइम पे अपना पेपर नहीं कर पाते। एक नंबर को करने के लिए हमारे पास 1.8 मिनट्स हैं, लेकिन हम 1.8 नहीं लगाते, हम ज्यादा मिनट्स लगा देते हैं। जो सवाल 20 मिनट में होना चाहिए हम उस पर 40 लगा रहे होंगे, जो 40 में होना चाहिए उस पर 60 लगा रहे होंगे, यानी वक्त से ज्यादा वक्त हम उस पर लगा रहे होंगे। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह यह होती है, देखें एक रूल है, रूल ये है कि कोई भी सवाल आप कर रहे होते हैं ना, तो वो उस सवाल में से शुरू के आधे नंबर लेना ना सबसे आसान काम होता है। यानी अगर 100 नंबर का सवाल है तो 50 नंबर लेना सबसे आसान काम है, उससे अगले 25 नंबर लेना थोड़ा सा मुश्किल है, और आखिरी 25 लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब होता क्या है, हम लोग जब सवाल कर लेते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसका आंसर ना टिच टैली हो जाए, जो कि मुमकिन नहीं है, जो कि मुमकिन नहीं है, मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है, कोई भी टीचर उठा लें किसी लिए भी शायद मुमकिन ना हो। 90% पे जा पाएंगे, 100% पे कोई भी नहीं जा पाएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हमने सवाल अगर शुरू कर लिया है तो हम 100/100 लेके उठें यहाँ से। ऐसा पॉसिबल नहीं है, उस 100/100 के चक्करों में ना हम उस सवाल पे टाइम ज़्यादा लगा देते हैं और जो टाइम दूसरे सवाल के लिए होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है। देखें आईकैप ने बड़ी अच्छी पॉलिसी एक रखी हुई है, और वो पॉलिसी ये है कि कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक्स आर नॉट पेनालाइज्ड। क्या ये जुमला आपने पहले कभी सुना है? क्या ये जुमला कभी सुना है? अकाउंटिंग के या मैथमेटिक्स के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे ये बात लागू होती है। आज नहीं तो कल आप अकाउंटिंग वगैरह के टीचर से भी ये बात सुन लेंगे कि कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक्स आर नॉट पेनलाइज्ड। आप लोगों ने इंट्रो पढ़ी हुई है, सेल्स का कैलकुलेट करते थे, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, अदर इनकम ऐड करते थे, एक्सपेंसेस लेस करते थे, प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट ले जाके बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे, पूरी बैलेंस शीट बनाते थे और आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती थी, और हम कहते थे क्या बात है जी सवाल टैली हो गया 100 में से 100। दो मिनट के लिए मान लें आपने सेल्स गलत लिख दी,
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर सेल्स गलत हो गई उसके नतीजे में ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो गया, हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो गया तो नेट प्रॉफिट गलत हो गया, अगर नेट प्रॉफिट गलत हो गया तो जो बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके अमाउंट ऐड होनी थी वो भी गलत हो गई, और अगर वो गलत होगी तो बैलेंस शीट भी गलत हो गई, सारा कुछ गलत हो गया। आईकैप एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपकी बैलेंस शीट ओपन करेगा और देखेगा आंसर मैच नहीं है, पूरे सवाल पे क्रॉस लगा देगा और आपका सवाल में एक भी नंबर नहीं आएगा। क्या ऐसे होता है, क्या ऐसे करता है आईकैप? फिर कैसे करता है भाईजान? जहां पे सेल्स गलत हुई थी ना वो वहां पे क्रॉस लगा देगा, वो क्रॉस लगा देगा। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की होंगी, उसको बिल्कुल ठीक ठीक करेगा, उसके बाद वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट पे। अब ग्रॉस प्रॉफिट पे जब वो आएगा वो ठीक कैलकुलेट हुआ होगा या गलत होगा? उसकी वैल्यू गलत होगी, लेकिन जब वो देखेगा ना कि आपने तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करके ही निकाला है, बेशक वैल्यू गलत है, बेशक वैल्यू गलत है, लेकिन वो इसको फिर भी ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि जो गलती आपने सेल्स की थी ना उसकी सजा आपको वहां पे मिल चुकी हुई है, आपको दोबारा सजा नहीं मिलेगी। फिर वो आएगा नेट प्रॉफिट पे, अब वो भी गलत होगा, उसकी वैल्यू गलत होगी, लेकिन मेरे भाई कैलकुलेट तो आपने ठीक किया होगा ना, जीपी में से सारे एक्सपेंसेस लेस करके नेट प्रॉफिट आता ना, वो आपने ठीक किया होगा, वो आपको वहां पे टिक करके पूरे नंबर देगा। हम ये बात पेपर में भूल जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार बस जहां पे सवाल रुक गया ना सवाल को छोड़ दो, आगे हो ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो कि हम मारते हैं। जहां पे सवाल रुक जाए या आपको समझ ना आ रही हो कि क्या करना है, कोई भी नंबर एज्यूम कर लें, कुछ भी नंबर लिख लें, अपने मोबाइल के आखिरी 4 डिजिट ही लिख लें, आगे चलें, क्योंकि आपके नंबर बस वहीं पे कटेंगे, उसके बाद जो आपने स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं उनके आपको नंबर पूरे मिलेंगे। हम लोग असल में ये बात भूल जाते हैं, और जो नंबर उस सवाल में से आ सकते हैं वो भी नहीं आ पाते। सबसे पहली गलती तो हम लोग ये करते हैं। ये बात सबको समझ आ गई। दूसरी बात, पेपर करने की जल्दी होती है, बस किसी तरीके से हमारा पेपर सॉल्व हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी होनी चाहिए, लेकिन क्या सवाल समझे बगैर पेपर हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब सवाल को एक दफा पढ़ा जाता है तो एक दफा पढ़ के वो सवाल बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ये मैं सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि इसमें डाटा थोड़ा सा बिखरा हुआ होता है, स्टैंडर्ड्स नहीं होते, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। आपने सवाल को दूसरी दफा पढ़ लेना, आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा। जब आप तीसरी दफा सवाल को पढ़ेंगे ना तो फिर आपको कुछ बातें ना समझ आनी शुरू होंगी। यहां तक कि जब तक आप सवाल को 5 से 6 दफा नहीं पढ़ लेंगे ना आपको सवाल समझ आने ही नहीं है। ये बात आप जेहन में रखें भाई। ये FAR 1 नहीं है, अभी आपकी FAR 1 शुरू नहीं हुई, आज शुरू हुई है, आज सबने सवाल तो मेरे हाल में कोई नहीं कराया होगा। अभी आप लोग खुद देखेंगे कि जब आप लोग IS 16 सर ने शुरू कराना है, IS 16 जब सर शुरू कराएंगे ना, तो अभी तो आपका बाकायदा आगाज होगा वही PRC वाली बातों से, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन के फार्मूला सर रिवाइज कराएंगे, एसेट की डेफिनेशन रिवाइज कराएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर आपको एसेट का बेचना सिखाएंगे, एसेट डिस्पोजल, उसके सिनेरियो सिखाएंगे, और करते करते आप पहुंचेंगे एसेट के नोट पे, कि एसेट का नोट कैसे बनाते हैं। ये सर इंशाल्लाह आपको ना कोई 18वें 17वें लेक्चर में 15वें लेक्चर में ना ले जाके बता रहे होंगे, और जब वो नोट वाले लेक्चर पे आप आएंगे ना तो वहां से आपका सवाल शुरू होगा और यहां पर आके आपका सवाल खत्म होगा, और उसके बाद जो आपके दूसरे टॉपिक्स हैं कैश फ्लोज वगैरह, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो सारी चीजें, वो तो लिटरली सवाल उस कोने से शुरू होता है और इस कोने पे आगे खत्म होता है, कभी कभार तो यहां पे भी आके खत्म नहीं होता, कुछ वर्किंग मिटा के फिर दोबारा करनी पड़ती है, ये भी नौबत आती है। यानी कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको अच्छा खासा वक्त चाहिए। सर यहां पर ऐसा नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल आधे पौने सफे पे खत्म हो जाता है, इसके सोल्यूशन में आपको इतनी ज्यादा डिटेल नहीं करनी पड़ती, सवाए एक आधे सवाल के, एक आधा सवाल होता है जिसमें लंबी चौड़ी वर्किंग्स होती हैं, अदरवाइज बहुत छोटा सा सोल्यूशन होता है इसका। इसका मतलब यह है कि अगर 10 नंबर का सवाल है और उसको करने के लिए हमारे पास 18 मिनट्स हैं, तो अगर आप उस सवाल को 10-12 मिनट पढ़ते भी रहेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो 10-12 मिनट सवाल को पढ़ लें, प्लान कर लें, पेपर पे उतारने के लिए 3-4 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं होगा। ओके, इतना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको, ये बात ऐसे ही है। तो इसलिए दूसरी चीज जो आपने इसमें करनी है वो ये है कि सवाल को आपने बहुत डिटेल से ढेर सारी 5-6-7 दफा पढ़ लेना है, कोई मसला नहीं। सवाल जब प्लान हो जाएगा तो पेपर में उतारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन इतना ज्यादा लंबा नहीं होता। ठीक होगी बात।
तो दो चीजें आपने ज़हन में रखनी है, एक तो क्वेश्चन को एंड तक लेके जाना है, बीच में छोड़ना नहीं है, और दूसरी बात यह कि सवाल को आपने एक से ज्यादा दफा पढ़ना है। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं, चलें फिर आगे। ओके जी, चले जी, अब यहां से हम आगाज करते हैं जी। सबसे पहले आपको यह बता दें कि हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनमें फर्क क्या है, ताकि आपको पता लग जाए कि जो दो तरह की अकाउंटिंग्स आप पढ़ रहे हैं, ये सेम है या डिफरेंट है। चलिए जी, मिटा दूं सारा कुछ। तीन कॉलम्स हमने बनाने हैं, एक तो देखने के जी पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले कैसे करते हैं ये चीज या कैसे देखते हैं, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले चीजों को कैसे देख रहे होते हैं। भाई ये चीज जो है ना, ये आपका कोर्स नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आपको पता रहे कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं असल में वो है क्या। ठीक है जी, कब है रिजल्ट आप लोगों का पीआरसी का? 5 अप्रैल को। कितने बजे है? सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे है ना सुबह? हाँ सुबह 8:30 बजे है। अच्छा, आप लोगों का तो फर्स्ट टाइम रिजल्ट है। सुबह 8:30 बजे आपके मोबाइल पे एक SMS आएगा, और वो SMS ICAP ने भेजा होगा, और उस पर लिखा होगा कि पीआरसी स्टेटस पास्ट या फेल, बस, या पेपर लिखे होंगे जो पास होंगे फेल होंगे, ऐसे एक मैसेज, सादा सा मैसेज आता है जी, लेकिन वो आपकी जिंदगी बदल देता है। ओके, एक दिन पहले दोस्तों से मिलने से इज्तनाब कीजिएगा, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि अपना नंबर ICAP के नाम से सेव कर देते हैं, और फिर सुबह 8:30 पे ना वही आपको मैसेज भेज देते हैं, पीआरसी स्टेटस फेल। आप देखते नहीं, आप बस देखते हैं कि जी ICAP लिखा हुआ है, और आप समझते हैं ये क्या हो गया। तो इसीलिए दोस्तों से मिलने से इज्तनाब कीजिएगा, कुछ शरारती दोस्त भी होते हैं। आपका जो ये मैंने आपको बता दी ना, पेपर आपका ब्लैक पेन से आपने सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा कि आपका जो ये पेपर होता है ना, इसमें आपने हर नया सवाल ना नए पेज से शुरू करना होता है। ओके, अगर आपका एक सवाल एक जगह पे आके खत्म हो गया ना, तो अगला सवाल आप उसके नीचे से शुरू नहीं कर सकते, उसके लिए नया सफा है। ओके, तो इस तरीके से आपने चलना है। पेपर पैटर्न की एक दो बातें और कर लेते हैं जी। ICAP ने अब ये अपनी एक आदत बना ली है कि वो आपको 9 सवाल देता है पेपर के अंदर। ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है, ये मत समझिएगा कि 9 ही आएंगे, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, लेकिन पिछली कोई 5-6 अटेम्प्ट से वो 9 सवाल ही दे रहा है। अच्छा, वो 9 सवाल को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में वो 6 सवाल रखता है, और सेक्शन बी में वो 3 सवाल रखता है। ओके, ये सवाल होते हैं थोड़े से कम नंबरों के, 10-10, 12-12 नंबर के। ये सवाल होते हैं जरा 18-20-16 नंबर के। मेरे भाई मुझे बताइए, वो पेपर जिसमें सवाल कम हो और हर सवाल के नंबर ज्यादा हो, वो पेपर अच्छा होता है, या जिस पेपर में सवाल ज्यादा हो लेकिन मार्क्स कम हो वो बेहतर होता है? ज्यादा सवाल कम मार्क्स चाहिए, या कम सवाल ज्यादा मार्क्स चाहिए? कम सवाल ज्यादा मार्क्स चाहिए। खुदा के बंदे, जब 20-20 नंबर के 5 सवाल आएंगे ना पेपर में, तो 20 नंबर का सवाल बताएगा कि मैं 20 नंबर का हूं, और वो यहां से गुजरेगा ऐसे यूं करके। तो मेरे भाई, इसीलिए दुआ ये नहीं करनी कि कम सवाल ज्यादा नंबरों के हो, आपने दुआ करनी है ज्यादा सवाल कम नंबर के हो। 5-5, 8-8 नंबर का सवाल जो है ना, वो छोटा सवाल होगा, और वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो मेरे भाई, ये पोर्शन ना आपका बहुत अच्छा दोस्त बनेगा, ये पोर्शन आपका बहुत अच्छा दोस्त बनेगा, क्योंकि इसमें नॉर्मली वो 6 सवाल दे रहा है, और वो सवाल 8-8, 10-10, 12-12 नंबरों के होते हैं, समझ आ जाते हैं। अगर समझ पूरे नहीं भी आते, तो उस 10 में से आप 6-7 नंबर आराम से ले सकते हैं, आपको पास कराने के लिए होते हैं ये। लेकिन जब आप इस सेक्शन पे आते हैं ना, तो पता लगता है 1.5-1.5 सफ़े का एक सवाल है,
यानी वो सवाल के शुरू से एंड तक पहुंचते हुए शाम हो जाती है। इतना लंबा सवाल होता है कि आप एंड तक पहुंचते हुए ये भूल जाते हैं कि सवाल के शुरू में क्या लिखा हुआ था। इस तरह के सवाल हैं, तो इस तरह के सवालों से ना जरा डरना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि ये वाला सेक्शन जो है ना यही आपको पास करा दे। इंशाल्लाह वक्त के साथ मैं आपको जो है सेशन एंड पे भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमने पेपर सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से आपका पेपर आ रहा होता है। यहां तक बात सबको समझ आ गई? ओके, अगली बात, हम जो अपनी पढ़ाई का आगाज करेंगे, शुरू के हमारे 4-5-6 लेक्चर जो है वो बिल्कुल किताब की ही चीजें हैं वैसे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे चल रहे होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताने जरूरी हैं जिनके बाद ही हम बात को आगे ले जा सकते हैं, अदरवाइज आगे बात नहीं जा सकती। तो वो कॉन्सेप्ट्स होंगे जी, आपने उसकी कुछ ट्रेलर जो है वो अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये एक चैप्टर होता था आपका पीआरसी में, जिसके अंदर आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, वो फजूलियात पढ़ी थी। बस जहां से आपने वो जिंदगी छोड़ी थी ना, ये जिंदगी वहां से शुरू हो रही है। वो एक ट्रेलर था जो कि आपने देखा था, पूरी मूवी का आगाज आज हो रहा है, ठीक है? जो 3-4 महीने की मूवी है ना, उसका आगाज आज हो रहा है भाई। तो वही बातें, वहीं से कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके रिवाइज करवाने हैं और उन्हीं चीजों से हमने आगे चलना है, ठीक होगी बात? उसके बाद हम इंशाल्लाह मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो करेंगे, और उसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग पे आ जाएंगे और फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को मुकम्मल लेके चलेंगे, सवाए प्रोसेस कॉस्टिंग के एक टॉपिक है उसके अलावा, प्रोसेस कॉस्टिंग हम एंड पे करेंगे। और जब हम ये काम कर चुके होंगे तो उसके बाद फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्शन हमारा पहले हो रहा होगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बनिस्बतन आसान है, कदरे आसान है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चूंकि डिसीजंस हैं, और डिसीजंस तो हजारों लाखों तरह के हो रहे होते हैं। क्लास में मैं अगर आपको 1,00,000 डिसीजन वाले सवाल भी करा दूंगा, पेपर में 1,01,000 डिसीजन ही आना, वो नया ही सवाल होगा। तो इसीलिए उनसे ज़रा हम थोड़ा सा इज्तनाब करेंगे, ताकि आपका थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्फिडेंस, हौसला जो है वो बहाल रहे। कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़रा हौसला बहाल होता है। दूसरी बात यह कि शुरू के 10-15 लेक्चर परेशान बिल्कुल नहीं होना, इसीलिए कि एक मुकम्मल पिक्चर बनते बनते ना, जब तक हम 3 चैप्टर अपने पढ़ नहीं लेंगे, मटीरियल का, लेबर का और ओवरहेड का, जब तक ये 3 हम पढ़ नहीं लेंगे ना, हमारे जहनों में ना पिक्चर अधूरी होगी, क्योंकि जब तक ये 3 चैप्टर ना हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल नहीं सकती। तो इसीलिए ना आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या कर रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि पिक्चर अधूरी होगी। लेकिन जब वो पिक्चर 3 चैप्टर्स के बाद बन जाएगी, उसके बाद आपको सारी बात खुद समझ आ जाएगी कि ये सारा साइकिल चल गया रहा था। तो इसीलिए आपने बिल्कुल तहम्मुल से ईजी होके पैनिक नहीं करना, ठीक होगी बात? ये जुमला आपने सुना हुआ है कि सीए बहादुरों के लिए, सीए बुजदिलों के लिए नहीं है। याद रखें, सीए हमेशा बहादुरों के लिए है। पेपर में जाके जो शख्स पैनिक करता है ना, उसके लिए फील्ड नहीं है भाई। इवन जो आपको पता है कि कैफ के बाद आपके 3.5 साल के आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल्स में ये आपको इंसान बना देते हैं। क्या फर्क है आप में और एक बीबीए वाले में? क्या वो अकाउंटिंग नहीं पढ़ा? पढ़ा ना, आप भी पढ़े, बीकॉम वाला भी अकाउंटिंग पढ़े, आप भी पढ़े, टैक्स वो भी पढ़े, आप भी पढ़े। क्या चीज है जो आप में और उनमें फर्क डालेगी? वो होंगे 3.5 साल के आर्टिकल्स। जो 3.5 साल के आर्टिकल्स हैं, जब आप उसमें एंट्री मारेंगे तो आप होंगे बिल्कुल जूनियर, शुदर वो होंगे आप, ओके? तो आपको, आप माशाल्लाह पहले दिन जाएंगे बड़ा सूट पहन के, टाई बना के, कि यार भाई ऑफिस आ गए आप, अब देखो भाई माशाल्लाह सी एंटर, भाई का लेवल है पीआरसी पास, कैफ पास, लेवल है भाई का। अगले फिर आपको पता है, वो फिर आपको पहले ही दिन आपको सबसे पहले तो दावत देंगे ना आपके पैसों से, तो आगाज तो आपका ऐसे होगा। उसके बाद आपका पहले 3-4 महीने ये काम होगा कि आपने सोचना है, क्या सोचना है कि दोपहर को खाने में क्या खाना है और रात को खाने में क्या खाना है, ये चीजें आपसे सुचवाई जाएंगी। और अगर आप इस सोच में कामयाब रहे तो ठीक है, तरक्की करेंगे। अगर आपने कहा कि ये क्या, मैंने इस दिन के लिए सी एंटर किया था, तो फिर आगाज हो जाएगा आपकी ट्रेनिंग का। जिस तरह होती है ना ट्रेनिंग, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग इस तरह जरा अड़ियां दिखा रहे होते हैं ना, फिर उनकी जरा हाथर तवाजे होती है, और वो आपको पता कैसे होती है। तो इसका मतलब है कि आपको वापस जमीन पर लाने के लिए ना बड़ा कुछ किया जाएगा, ओके? फिर आपको ये भी कहा जा सकता है कि अच्छा चलो सोच लिया ये खाना, फिर अब लेके भी आओ, फिर शाम की चाय भी बनाओ, फिर समोसे भी लेके आओ। तो हाँ, जो काम घर में करने पड़ते हैं शायद वहां पे भी करने पड़े, लेकिन ये अरसा ना कोई 3-4 महीने रहेगा, इसलिए आपने इन चीजों से परेशान नहीं होना। ये सब किस लिए होता है? आपके ऊपर जस्ट प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, सिर्फ आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। उसके साथ साथ फिर जाहिर बात है आपके 6 पेपर सीफैप के भी पड़े हैं, उसके बाद 2 एमएससी भी हैं,
आपने सुबह 9 से 5 ऑफिस जाना है, फिर शाम 6 से 9 क्लासेस लेनी है, 9 बजे के बाद हो सकता है आपको फिर ऑफिस जाना पड़े, या हो सकता है 9 बजे ऑफिस जाए 5 बजे वापस आ जाए, लेकिन वो 5 उस दिन के नहीं होंगे, अगले दिन के होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये सब सिनेरियोस हैं जिनसे मैं गुजरा हूं, ये मैं मजाक आपके साथ नहीं कर रहा, ये मैं गुजरा हूं इन सिनेरियोस से। और मैं क्या हर सीए, किसी भी सीए से, किसी भी टीचर से आप पूछ लें, हर बंदा इस सिनेरियो से आर्टिकल्स में गुजरा है। ये सख्ती सब ने बर्दाश्त किया, चाय मैंने भी बनाई हुई है, मैंने आज तक घर में चाय नहीं बनाई, लेकिन मैंने वहां पर बनाई है। मैं गाड़ी पर जाता था ऑफिस, मैं गाड़ी पे खाने लेके आया हूं, बिल्कुल ऐसे हुआ। ये 2010 की बात है। एक चीज होती है QCR, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, अक्सर आपने सुना होगा QCR फर्म्स होती हैं, हर फर्म का 3 साल के बाद QCR होता है, ICAP आके चेक करता है कि क्या इनके काम ठीक है या गलत है, वो जरा चेक करते हैं क्वालिटी आपकी। तो जब मैंने फर्म ज्वाइन की थी जून 2010 में, मुझे याद है 17 जून 2010 को मेरी इंडक्शन हुई थी, मेरा पहला दिन था फर्म का, तो QCR चल रहा था, मतलब अगस्त में उन्होंने आना था चेक करने, तो उन्होंने 7 लगा दिया, तो मेरी तो डे 1 से लेट सेटिंग शुरू हो गई। तो मैं रात को 3 बजे 4 बजे 2 बजे मेरी रूटीन थी, क्या सैटरडे तो क्या संडे, रूटीन थी ऐसे ही करना है। तो शुरू शुरू में होता था 15-20 दिन हुआ फील कि यार ये किस अजाब में फंस गए हम, लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ कि भाई बस अब 3.5 साल ही है ना, घर आके अफसोस बड़ा हुआ कि यार ये क्या फील्ड है, वो देख मेरा दो यूटी में जा रहा है, ऐशी कर रहा है, वो देखो वहां चला गया, वो भी ऐशी कर रहे हैं, मैं ही फंस गया हूँ यहाँ पे। लेकिन फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए क्या किया, 42 मंथ्स के आर्टिकल्स होते हैं ना अपने पास रजिस्टर में, आज भी याद है 42 मंथ्स को 30 से मल्टीप्लाई किया, कोई पता नहीं 1200 दिन बने थे, और रोज आके उसमें से एक दिन माइनस कर देता था, फिर एक दिन माइनस करता, चलो यार 1198 रह गए, ये भी गुजर ही जाएंगे, 1197 रह गए, कोई 15-20 दिन की हरकत की। पर मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये क्या है, इससे क्या होगा, बस जेन की तसल्ली है ना, चलो ठीक है जो हो रहा है सबके साथ ही हो रहा है ना, दोस्त बनाओ वहां पे फर्म में जाके, वक्त अच्छा गुजर जाए, दोस्त बना लिए, वक्त गुजर गया, बस ठीक है, गुजर ही गया सब कुछ। लेकिन भाई याद रखिएगा कि जब आप 3.5 साल के बाद निकलेंगे, आपने क्या क्या फेस किया होगा, आपने बहुत बच्चों वाले काम भी किए होंगे, आपने मुलाजमों वाले काम भी किए होंगे, आपने पढ़ाई भी की होगी, आपने ऑफिस का काम भी किया होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर भी आपने फील किए होंगे, ICAP का प्रेशर होगा, एग्जाम का, ये सब चीजें आपने 3.5 साल में गुजारी होंगी। और जब आप 3.5 साल बाद आप निकलेंगे ना, तो आप एक इंतहाई मुतमिन किस्म के इंसान होकर निकलेंगे, ठीक है। अब आए जरा कि 3.5 साल के बाद अब आप नौकरी पे चले गए और आप एक कंपनी के CFO बन गए। कंपनी का CFO क्या होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामला के डिसीजन ले रहा होता है, काम नहीं कर रहा होता, डिसीजन ले रहा होता है, ओके, फैसले कर रहा होता है वो, ओके। अब आपने एक फैसला किया और वो फैसला गलत हो गया, जिससे कंपनी को अरबों रुपए, खरबों रुपए का नुकसान हो गया, कंपनी डूब गई। और एक दिन एक बंदा भागा भागा आपके पास आया और कहा सर कंपनी डूब गई, प्रेशर पड़ेगा आप पे, जारी बात है प्रेशर पड़ेगा, एक आपके फैसले से कंपनी डूब गई, लेकिन आपके वो 3.5 साल जो के आपने गुजारे थे प्रेशर में, आप कहेंगे अच्छा डूब गई है, चलो कोई बात नहीं, नहीं बन जाएगी, खैर कोई मसला। लेकिन अगर यही बात एक BCOM वाले को या उस बंदे को जिसने आर्टिकल 3.5 साल के नहीं किए हुए, अगर उसके सामने कही जाए, उसको वहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मेरे भाई ये वो 3.5 साल की वो चीज़ है जो बेसिकली आपको डिफरेंशिएट करती है बाकी लोगों से। और ये जो यहाँ पे आप पे प्रेशर डाला जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स पढ़ाया जाता है, आपने जो कुछ परफॉर्म करना है पेपर के 3 घंटों में परफॉर्म करना है, यहाँ पे कोई अटेंडेंस का नंबर नहीं है, कोई असाइनमेंट का नंबर नहीं है, कोई क्विज का नंबर नहीं है, कोई मिड टर्म का नंबर नहीं है, जो हमारे दोस्तों या यूनिवर्सिटीज में चल रहा होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस 3 घंटे हैं, परफॉर्म कर लिया तो पास, नहीं तो फिर 6 महीने दोबारा से। ये सब उसी प्रेशर की ट्रेनिंग है जिससे आपको गुजारा जा रहा है। और जब आप इंशाल्लाह एंड पे निकलेंगे तो आप एक क्वालिफाइड CA बन के निकलेंगे, जिसकी आपको ख्वाहिश थी, और उसमें एक बहैसियत इंसान भी आप में फर्क होगा। ये नहीं कि आपके अंदर बस अकाउंटिंग और टैक्स और कॉस्ट और ये चीजें आ गई होंगी, बहैसियत इंसान भी आप जो है ना वो तब्दील हो चुके होंगे, आपके अंदर ना बहुत पेशेंस आ चुका होगा, मेरे अंदर आई थी काफी पेशेंस। तो ये सब में आ जाती है, सब बड़े आपने देखा होगा CA वाले टीचर बड़े माशाल्लाह मुतमईन पुरसकून, गुस्सा गुस्सा नहीं आता, ऐसे ही है ना, तो ऐसे ही होते हैं सारे, वो गुस्सा ना खत्म हो चुका होता है, किल कर दिया होता है गुस्से को उन्होंने। तो इंशाल्लाह आप पे भी ये वक्त आएगा। तो एनीवेज ये बात कहाँ से शुरू हुई थी भाई, मैं तो भूल ही गया कहाँ से शुरू हुई थी बात। हाँ नहीं, डिफरेंस तो भी मैंने उससे पहले कहा था कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो बहरहाल एनीवेज यहाँ से ये बेसिकली आगाज हुआ था।
तो ये जो प्रेशर की सिचुएशंस हैं बेसिकली उसकी तैयारी हमने आज से ही करनी है और ये इसीलिए आपको जो है वो सारा ये बताया गया। चले जी अब करते हैं हम डिफरेंस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में फर्क क्या है। बात शुरू हुई थी पीआरसी के रिजल्ट से मेरे भाई और वो बात यहां तक पहुंच गई। चलिए जी 5 अप्रैल को आपका रिजल्ट है, ठीक है, आप पास भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है पास हो जाएंगे क्योंकि आईकैप ने आपको फंसाना ना तो फंसाया है उसने यहां पे कैफ में आके आपको। चलिए जी सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है जी ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मैं फिर बता रहा हूं कि ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये आपके कोई पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जरूरी है ये समझने के लिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं आपको पता हो क्या पढ़ क्या रहे हैं। ले जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ ली माशाल्लाह, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के आप सब चैंपियन हो गए, 150 लेक्चर आपने देख लिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के। क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या पर्पस क्या होता है इसका, क्यों पढ़ी है, क्या करते हैं उसमें? हाँ भाई क्यों पढ़ता है, क्यों पढ़ी है, माशाल्लाह जिंदगी गुजार दी पीआरसी में, क्या फायदा हुआ? पीआरसी पढ़े हुए साल हो गया, तो साल किधर थे, साल कैफ कर रहा था, बाकी तीन वही वाला, बाकी तीन वही ना, बस कॉस्ट तो एंड पे रखनी है हमने। फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा सा मजीद बेहतर कर सकते हैं हम इसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो हमारा मकसद होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स टू द अकाउंट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आप एफ ए आर वन में पढ़ेंगे, हाफिज साहब आपको माशाल्लाह सब कुछ पढ़ाएंगे, या सर उमैर से अगर कोई पढ़ा है तो सर उमैर आपको सब कुछ पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह धड़ल्ले से पढ़ाएंगे। आज पहली क्लास ही माशाल्लाह 2 घंटे की हुई है, सोचे आगे आपके साथ होनी क्या है वहां पे। ओके तो इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें पढ़ाई जाएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे सारी की सारी बनवाई जाएंगी। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनवाते हैं, बनानी तो चले है मकसद समझ आ गया, बनाते क्यों है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए, उससे क्या होता है। अच्छा मेरी कंपनी है भाई, मेरी कंपनी है और मैं नहीं चाहता इसमें कोई इन्वेस्ट करे, नहीं चाहता मैं, तो ना बनाऊ, ना बनाऊ। अच्छा मैंने कभी दुकान से नेस्ले का दही खरीदते हुए ये नहीं पूछा नेस्ले वालों तुम्हारी सेल कितनी है, मैंने तो कभी नहीं पूछा। नहीं तो कस्टमर को इससे क्या लगे, कस्टमर तो दही खानी है ना सैरी में, प्यास ना लगे उसको, क्या लगे लॉस में प्रॉफिट में, टैक्स के लिए, बैंक से कर्जा लेने के लिए। देखें अब कुछ बातें बेहतर हुई हैं, देखें सिंपल सी बात बताता हूं, आपने अगले हिस्से में जाके ये कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ जिसको बोलते हैं वो सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हर कंपनी के ऊपर लाजिम है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। असल बात ये है भाई, ये तो ऐसी ही आपको ना गोलियां कराई गई थी इंटरव्यू में, सही कह रहा हूं, वहां पे ना गोलियां कराई गई थी आपको। असल बात ये है कि कंपनी लॉ के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि हर कंपनी ने हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और बनाने के बाद उनको ऑडिट भी करवाना है। अब ये ऑडिट क्या बला है भाई, इसका भी एक सब्जेक्ट आपने अगले हिस्से में पढ़ना है, और जो 3.5 साल के आर्टिकल्स आप करते हैं ना इसमें असल में आप ऑडिट ही कर रहे होते हैं, तो वो बात तो इंशाल्लाह वहां पर हो जाएगी। तो मेन मकसद ये है, बाकी जो बातें आपको फरलू फरलू सी बताई गई थी ना वो आई भी बस आपको गोलियां दी गई थी। हाँ मकसद होता है ठीक है, लेकिन मेन मकसद ये है, इस मकसद के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और ये लाजिम है, लॉ ने कहा हुआ है कि बनानी, ठीक होगी बात। ओके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता बताइए, ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने पढ़ी नहीं। इसके अंदर हमने ना रिपोर्ट्स बनानी होती है। अब ये रिपोर्ट्स जो है ना ये डिपेंड करता है, जिस सेठ की नौकरी आप कर रहे हैं ना, जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई बॉस तो होगा ना, उसकी अपनी मर्जी की रिपोर्ट होगी। कोई कहेगा कि मुझे रोज की ना सेल्स बताया करो कितनी है, तो ये रिपोर्ट बन गई एक। कोई कहता है कि रोज के खर्चे मुझे बताया करो, कोई कहता है कि मुझे बस ये बता दिया करो कि कल बैंक में कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, बस ये बता दिया करो। कोई कहता है कि बस मुझे ये बता दिया करो बैंक में बैलेंस कितना है। कोई कहता है नहीं जी मुझे सारा कुछ बताया करो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सेठ की या किस कंपनी की नौकरी कर रहे हैं। ओके तो इसका मतलब है कि यहां पे जो मकसद होता है वो रिपोर्ट्स ही बनानी होती हैं, लेकिन वो रिपोर्ट किसी भी तरह की हो सकती है। यहां पे तो आपके पास फॉर्मेट है ना,
सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट उठा के कैपिटल में ले जाओ, एसेट फिर लाइबिलिटीज फिर कैपिटल, तो एक फॉर्मेट आपके जहनों में है। सर यहां पे कौन से रिपोर्ट है आपको सवाल बताएगा? आपको सवाल ने बताना है कि भाई ये रिपोर्ट बना दो। अंग्रेजी आती होगी तो रिपोर्ट बन जाएगी, अंग्रेजी नहीं आती होगी तो रिपोर्ट नहीं बनेगी, और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल हो जाएगी, आईकैप गलत हो जाएगा। ये कभी नहीं जाके अम्मी को कहेंगे कि अम्मी मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए पेपर नहीं हुआ। घर जाके ये कहते हैं ना पेपर बड़ा अच्छा हो गया, वो तो जब रिजल्ट आता है तब पता लगता है। तो एनीवेज रिपोर्ट्स जो यहाँ पे बनती हैं वो सेठ की मर्जी की बनती हैं या आपके बॉस की मर्जी की बनती हैं। बात समझ आ गई? तो ये फर्क हो गया पहला। दूसरा फर्क है जी यूजर्स ऑफ रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं इनको कौन इस्तेमाल करता है भाई? अभी आप लोग जवाब दे तो रहे थे, कस्टमर्स करते हैं, इन्वेस्टर्स कर लेते हैं, बैंक्स कर लेते हैं, गवर्नमेंट कर लेती है टैक्स पर्पसेस के लिए वगैरह वगैरह। मैं कह सकता हूं कि इसमें जो यूजर्स होते हैं वो मोस्टली एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल से मुराद कंपनी के बाहर वाले, कंपनी के बाहर वाले ठीक है, कंपनी के अंदर वाले भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन वो कम होते हैं। ज्यादातर लोग वो होते हैं जो कंपनी से बाहर होते हैं। व्हाट अबाउट दिस? कभी होंडा पे जाके ना उनसे पूछें, होंडा वालों तुम्हें सिविक कितने की पड़ती है, फिर उसके बाद जो आपको पढ़ेंगी ना वो बताइएगा। इसके यूजर्स सारे के सारे ही इंटरनल होते हैं, ये रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ये कभी भी कंपनी से बाहर नहीं निकलती। कोई आपको नहीं बताएगा कि होंडा सिविक की कॉस्ट कितनी है, कोई आपको नहीं बताएगा कि जो प्रोडक्ट मार्केट में पड़ी हुई है इसकी कॉस्ट कितनी है, कभी नहीं बताएगा। कभी टीवी पे आके सुना जी हमें ये प्रोडक्ट इतने की कॉस्ट करती है, हम आपको इतने की बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। कॉस्ट अपनी कोई भी नहीं बताता। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिक्टली इंटरनल होती हैं, इनके यूजर स्ट्रिक्टली इंटरनल होते हैं, कंपनी के अंदर वाले लोग होते हैं, बाहर वाले लोग कभी भी नहीं होते हैं। फर्क समझ आ रहा है? ओके। तीसरा फर्क पब्लिकेशन। पब्लिकेशन से मुराद होता है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत बनने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स छापी जाती हैं, प्रिंट होती हैं, देखी हैं कभी, अपलोड होती हैं फेसबुक पे, कहां अपलोड होती हैं? अच्छा वेबसाइट पे, बिल्कुल जी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपको वेबसाइट पे नजर आती हैं, प्रिंट भी हो जाती हैं। पुराने दौर होते थे, आप लोगों ने तो नहीं देखे हुए, आप लोगों ने तो माशाल्लाह मोबाइल और टेक्नोलॉजी वाईफाई ये देखा हुआ है, आप लोगों ने ये देखा हुआ है कि जब रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो सलाम के बाद पहला सवाल ये करना है वाईफाई का पासवर्ड क्या है। आप लोगों ने तो माशाल्लाह ये जिंदगी देखी है, हमने वो जिंदगी देखी है जो मोबाइलों के बगैर भी थी। तब ये फाइनेंशियल स्टेट, तब वेब इंटरनेट ही नहीं होता था भाई, वो इंटरनेट क्या कंप्यूटर ही नहीं होता था। मुझे याद है कंप्यूटर जब मेरी दफा मेरे घर में पहली दफा आया था, दैट वाज 1995 में आया था, जब मेरे को 5-6 साल का होता था तब कंप्यूटर आया था। उसके बाद कोई कहता था ना कि भाई एक दौर आएगा जैसे ऐसे एक चीज होगी, तस्वीर होगी सामने, गुफ्तगू करेंगे, उस पर हंसते थे पागल हो गया ये, ऐसा कैसे हो सकता है। होता ना अक्सर बंदा जब फ्यूचर की बात करता है, अक्सर अभी भी लोग हंसते हैं कि यार एक वक्त ऐसा भी आएगा कि बंदा गायब होगा और अगले लम्हे यूके में बरामद हो जाएगा, उसको ना स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कराया जाएगा। ये भी बातें होती हैं और लोग उस पर हंसते हैं पागल हो गया। लेकिन आप देखें ये चीजें जो आज हो रही हैं, आज से 30 साल पहले मैंने देखे हैं वो दौर, मैंने इंटरनेट के बगैर दौर देखा हुआ है, तब ये चीजें बिल्कुल मजाक होती थी। एनीवेज तो बहरहाल उस वक्त ये वेबसाइट, ये इंटरनेट, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। उस वक्त ये ना प्रिंट होती थी किताबों की फॉर्म में, और लोगों को TCS VCS भी नहीं होते थे, वो डाकिया होता था, तो डाकिया साहब जो है वो सबको दे जाते थे कि भाई आप शेयर होल्डर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो खत लिखा जाता था कंपनी को कि भाई ये ज़रा मुझे भिजवा दें, तो वो फिर आपको डाक के थ्रू भिजवाया करते थे। तो भाई जान फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये सारी की सारी बिल्कुल पब्लिश होती हैं, इनको बिल्कुल प्रिंट किया जाता है, और आप लोगों के दौर के मुताबिक ये बिल्कुल अपलोड भी की जाती हैं, टैग भी की जाती हैं, ओके, मेंशन भी किया जाता है, व्हाट्सएप के स्टेटस भी लगते हैं, ठीक है। तो आज के दौर में तो ऐसे होता है। होंडा वालों ने अपने फेसबुक पेज पे अपनी कॉस्ट की रिपोर्ट जो है वो अपलोड की हुई है, ऐसा हो सकता है? वेबसाइट पे मुझे कहीं पे दिखा दें किसी भी कंपनी पे कि किसी ने अपनी कॉस्ट की रिपोर्ट अपलोड की हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वाली रिपोर्ट्स कभी भी पब्लिश नहीं होती।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत बनने वाली रिपोर्ट्स कभी भी पब्लिश नहीं होंगी, कभी भी प्रिंट नहीं होगी, कभी भी अपलोड नहीं होंगी, दे विल नेवर बी मेड अवेलेबल फॉर द पब्लिक। वो बात समझ आ रही है? वो समझ आ रही है कि पहली भी जा रही है? ओके, पहला पहला दिन होता है ना, वैसे ही बड़ी मोटिवेशन होती है। आज साथ साथ पढ़ेंगे, और ये साथ साथ पढ़ना ना बस हफ्ते तक रहता है, उसके बाद फिर सारा कुछ ही साथ साथ हो जाता है। तीन पेपर हैं आप लोगों के, फिर भी आप लोगों ने पता नहीं मैस बनाया होता सीए को, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। तीन पेपर, चार पेपर तो उठाने थे, तीन पेपर। अब वो अजीब लोग हैं, यार मर्जी है। फिर अभी वैसे वक्त है, चौथा उठा लो पेपर, अगले ग्रुप का उठा लो। तुमने दो पेपर उठाए हैं? वो कहते पेपर चार उठाते हैं, पढ़ते तीन हैं, पेपर दो का देते हैं, पास है। ऐसी ऐसी लोग तो नहीं है? नहीं नहीं, चार पढ़े चार पास करें। एनीवेज आइए जी, लीगल, क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए? अभी आपको बताया कानून कहता है, तो इसका मतलब है कि इसकी बिल्कुल लीगल रिक्वायरमेंट है। और इसकी कोई नहीं कहता आपको कि कॉस्ट निकालो, या आप अच्छे बिजनेसमैन होंगे तो आपको पता होगा कि कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो बहरहाल लीगल रिक्वायरमेंट बहरहाल कोई नहीं है, किसी कानून में नहीं लिखा कि जी आपने कॉस्ट निकालनी है, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है। नेक्स्ट है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने कितनी मुद्दत के बाद जो है वो ये रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। तो मुझे बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं ये आप कितने अरसे बाद बनाते हैं? नॉर्मली ईयरली होता है ये, नॉर्मली ये हर साल बाद होती हैं। लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, आगे जाके कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो आपको ये बात लगेगी ये सेमी एनुअली भी होती हैं, ये क्वार्टरली भी होती हैं। लेकिन फिलहाल जितना आपने पढ़ा हुआ है आसानी के लिए ईयरली। और इनकी डिपेंड्स, भाई ने दरिया को कूजे में बंद किया, डिपेंड्स, इट कैन बी डेली, इट कैन बी वीकली, इट कैन बी मंथली, इट कैन बी सेमी एनुअली एंड इट कैन बी एनुअली, सारा कुछ हो सकता है भाई। मर्जी किसकी है? आपके बॉस की। ओके, नौकरी किस जगह लगी है इसलिए उसके बाद है जी छठा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? इंफॉर्मेशन किसके मुतल्लिक होती है भाई? आसान बात कर देता हूं आपके लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ, सिर्फ नंबर्स होते हैं। आपको यह पता लग रहा होता है सेल्स कितनी हुई, क्या यह कहीं मेंशन होता है कितने यूनिट्स हुए सेल? ये तो नहीं कपड़ा ना। या ये एक कंपनी अगर चार प्रोडक्ट्स बेच रही है तो कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई ये तो नहीं पता होता, किस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है ये तो नहीं पता होता, लम्प सम एक्सपेंसेस ही होते हैं ना। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ना सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल होती है, रुपीज कह लो, रुपीज में पीकेआर में सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। लेकिन जब बात होती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो यहां पर फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है, दोनों इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। यह भी बताया जाता है कितने यूनिट्स बिके, यह भी बताया जाता है किस यूनिट पे कितनी सेल हुई, यह भी बताया जाता है किस यूनिट कितने लोगों को सेल हुए, यह भी बताया जाता है कि कितने यूनिट लाहौर में सेल हुए, कितने यूनिट इस्लामाबाद में सेल हुए, कितने कराची में सेल हुए, यह भी बताया जाता है कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट हुए। हर तरह का एनालिसिस होता है इसके अंदर, क्योंकि इसकी लिमिट कोई नहीं है इसलिए इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन उसके अंदर वही पैट सेल्स की वैल्यू, कॉस्ट की वैल्यू, एक्सपेंसेस की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू, वही पैट फॉर्मेट जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बस उसमें वही होता है। लेकिन यहां पे बात बहुत आगे तक जाती है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक सब साथ है, यहां तक किसी का कोई सवाल? ओके जी, नेक्स्ट है जी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड का मतलब यह है कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते रहे हैं पीआरसी में, सर वो माजी का डाटा होता था कि फ्यूचर का होता था? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उस दिन का या उस दिन तक का, तो माजी का ही हो गया ना, पिछले साल का डाटा बना रहे होते हैं ना, यकम जुलाई से लेकर 30 जून तक का डाटा। इसका मतलब है इसमें जो कुछ भी होता है पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं। यानी आप सेठ को जाके ये बता रहे होते हैं, सेठ तुम्हें बताऊं जो साल खत्म हुआ इसमें तुमने कितनी सेल की है? अब वो बिजनेस का मालिक है, उसे नहीं पता होगा तो किसे बताओ, बताएं? ऐसे ही है, सेठ तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे एक्सपेंसेस कितने हुए? ये वही बात है कि आप लोग घर से बाहर खाना खाने जाएं, अब्बा जी बिल अदा करें, और फिर आप कहें बताऊं आपका बिल कितना आया। ये वही बात है। ओ अब्बा जी, क्योंकि फायदा है इस इंफॉर्मेशन का, कोई फायदा नहीं है। हाँ, फायदा तब होता जब रेस्टोरेंट जाने से पहले आप उनको बताते कि अब्बा जी आपका इतना बिल बनेगा, फिर वो कहेंगे अच्छा ये काम की बात की है इसने। तो सर ये कौन लोग होते हैं? फजूल लोग होते हैं, ये बिल्कुल फजूल लोग पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले की बात नहीं कर रहा, जो पढ़ते हैं ना बिल्कुल फजूल होते हैं ये। क्या बात है यार, एक बंदे को पता है मेरी सेल कितनी हुई है उसी को बताई जा रहे हो, एक बंदे को पता है कि यानी जिस शख्स को जो पता होता है ना आप उसे वही बता रहे होते हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन यहां पर सर पास्ट की तो बात होगी नहीं, सर प्रेजेंट की भी बात होगी, और तो और मुस्तकबिल की भी बात होगी। तो सर यहां पर बड़ी दिलचस्प किस्म की गुफ्तगु हुआ करेगी, ओके, कि क्या हो चुका है, क्या होना है और क्या होने वाला है, सब कुछ यहां पर पता होगा। तो इसीलिए ये लोग जो होते हैं ना, ये सेठ और बॉस की आंखों का तारा होते हैं, ये जरा उनके आसपास रहते हैं। हम तुम्हें बताएंगे कि सेठ तुम अगले साल इतना प्रॉफिट कमाओगे, हाँ तू आना मेरे पास, तू बैठ के खाना खा मेरे साथ। सेठ आपको बताऊं पिछले साल आपने कितना कमाया, तू तो निकलना यहां से, मुझे पता है मैंने क्या कमाया क्या गवाया, तू निकल यहां से। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो ये पढ़ें, वो छोड़ें, दफा करें, छोड़ें। FAR में कुछ नहीं रखा हुआ, FAR 2 में कुछ नहीं रखा हुआ, इंट्रो में कुछ नहीं रखा हुआ था, ऐसी फजूल चीजें आप पढ़ें, ये असल चीज होती है, ओके। इसके बारे में ना एक लतीफा भी बना हुआ है, अब कैमरा ऑन है तो मैं जरा सुना नहीं सकता। ओ नहीं यार, कैमरा ऑन है यार, नहीं वो मैंने सुनाया हुआ है बाकी पुराने वालों को। कोई है C14 वाला कोई बैठा हुआ इधर? नहीं, C14 वाले सारे भाग गए थे मुझे पता है, वो कह रहे थे हमने कोर्स नहीं अभी पढ़नी, वही वाले थे सीनियर वाले। वो लतीफा ये बना हुआ है कि एक बंदा ना अपनी वो बकरियां लेके जा रहा होता है, चरवाहा उसको बोलते हैं। तो एक ना बड़ी होंडा सिविक में ना एक सूटेड बूटेड बंदा गाड़ी से उतरता है और जाके ना उस बंदे को जाके कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं तो क्या तुम मुझे 2 बकरियां इनाम में दोगे? उसकी शक्ल देखता है और कहता है चलो ठीक है दे दूंगा। वो अपना लैपटॉप खोलता है, पूरा हिसाब किताब लगाता है, और लगाने कहता है तुम्हारे पास 50 बकरियां हैं। कहते यार तुम तो छा गए हो, ये लो 2 बकरियां। वो 2 बकरियां लेके जाने लगता है तो चरवाहा कहता है यार 1 मिनट रुको, अगर मैं तुम्हें बता दूं तुम कौन हो तो मेरी 2 बकरियां वापस करोगे? वो कहते हैं हाँ। तुम अकाउंटेंट हो तो तुम्हें कैसे पता? कहते पहली बात यह कि तुम बगैर बुलाए मेरे पास आ गए, दूसरी बात यह तुम मुझे वो बता रहे हो जो मुझे पहले से ही पता है, और तीसरी बात ये बकरियां नहीं कुत्ते हैं। तो ये खसूसियात माशाल्लाह यहां पे पाई जाती हैं। तो हम तो ये वाले हैं भाई, हम तो इन्हीं की तारीफ करेंगे, हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे, ओके। तो मेरा भाई इसीलिए यहां पे इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें माजी की बात हो रही होगी, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें प्रेजेंट की बात हो रही होगी, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हम फ्यूचर के बारे में भी बात कर रहे होंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, बस 1-2 पॉइंट्स रह गए और आपकी इसके बाद क्लास है कोई? कितने बजे? ओ बहुत टाइम है यार, वेले ही है ना आप? 11:10 पे ही है ना, और तो किसी की क्लास नहीं है? 11:10 पे है, इससे पहले 10:15 तो किसी की कोई क्लास नहीं है यार, बहुत टाइम पड़ा। अच्छा यहां पे फोकस क्या होता है जी, बस 2 पॉइंट रह गए, 5-7 मिनट दे दे मुझे और। यहां पे मुझे बताइए, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की टोटल बना रहे थे या एक एक प्रोडक्ट की अलग अलग बनाई थी? क्या सवाल में मेंशन था कि ये प्रोडक्ट इतनी बिकी, ये इतनी बिकी, सबका अलग अलग कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब है कि यहां पे जो फोकस होता है ना वो एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा होता है। बस एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड हमें दे दिया गया, उससे हम इधर उधर नहीं हो सकते।
जबकि यहां पर तो सर माशाल्लाह जीतने को पूरा जहां बाकी है, इधर इधर हम यूनिट बेस पे भी कर सकते हैं। बता दो भाई होंडा सिविक में कितना प्रॉफिट है, होंडा सिटी में कितना है, होंडा अकॉर्ड में कितना है, बिल्कुल हो सकता है जी, या एरिया वाइज भी हो सकता है। बताओ भाई लाहौर में कितना प्रॉफिटेबल है हम, बताओ कराची में कितना प्रॉफिटेबल है, बताओ पाकिस्तान में कितना प्रॉफिटेबल है, बताओ पाकिस्तान से बाहर कितना प्रॉफिटेबल है। तो यहां पे तो हर तरह का एनालिसिस हो सकता है भाई, यहां पे फोकस हर चीज का हो सकता है। ठीक होगी बात? तो भाई फोकस के बारे में बात यह होगी कि वो मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, और यहां पे हम उसको यूनिट वाइज भी कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सेगमेंट इसको बोलते हैं, एरिया वाइज को ऑपरेटिंग सेगमेंट वाइज भी हो सकता है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है जी, वो है जी सबसे भयानक, जो कि आपको तंग करता है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स होते हैं, कवानीन होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। कौन कौन से पढ़ लिए हैं आपने? कोई भी नहीं पढ़ा अभी आपने, आपने कोई भी नहीं पढ़ा, आपने सबके ट्रेलर देखे हैं सिर्फ। अभी फिल्म चलनी है, I-16 की फिल्म शुरू हो गई है, 21-20 लेक्चर वो चलेगी, उसके बाद फिल्म चलेगी बोरिंग कॉस्ट की IS-23 की, फिर फिल्म चलेगी IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स की, वो सारे जो दो किताबें उसकी FR-1 की हैं वो सारी आपने पढ़नी है, तो उसमें पूरी पूरी फिल्म चलेगी। वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो असूल हैं जिनको देखते हुए आपने ये काम करना होता है। और यहां पे कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं जी? यहां पे हमारे बॉस के स्टैंडर्ड्स होंगे, बस जो बॉस कहेगा वो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स तो कोई नहीं है, हाँ बॉस के या सेठ के स्टैंडर्ड्स हैं, वही हैं बस, जो वो कहता है हमें वही करना पड़ेगा। ठीक होगी बात? तो ये कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंसेस हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो दो अकाउंटिंग्स आप लोग पढ़ रहे हैं दोनों में ये फर्क है। तो लेट्स सी, ये तो सेशन एंड भी पता लगेगा कि कौन सी अकाउंटिंग जीतती है और कौन सी हारती है। ओके, यहां तक किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? हाँ भी सवाल लता साहब, सब अच्छा है, सब अच्छा है भाई। चलें जी, किताब जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा आपने कब बाय करनी है। अभी फिलहाल इस हफ्ते में मुझे किताब की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लास में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैंने आपको बेसिक्स ही पढ़ानी है और आपको बोर्ड पे ही नोट करवाना है और रजिस्टर पे नोट कराना है। प्लीज़ एक मुनासिब और मेच्योर बंदों की तरह कॉस्ट अकाउंटिंग का रजिस्टर अलग रखिएगा, ठीक है? ऐसा ना हो जी कि एक रजिस्टर लिया हुआ माशाल्लाह, वो सुबह के टाइम आप ले आते हैं, शाम के टाइम छोटा भाई अकेडमी ले जाता है, ठीक है? उसी पे टैक्स चल रहा है, उसी पे कॉस्ट अकाउंटिंग चल रही है, उसी पे FAR-1 है, फिर उसके बाद छोटे भाई की केमिस्ट्री शुरू हो जाती है, 2NA+Cl2 2NaCl लिखा हुआ है उसके ऊपर, फिर उसके बाद छोटे भाई की फिजिक्स शुरू हो जाती है, फिर जीरो काटा खेला हुआ है, फिर आगे कॉस्ट। ऐसा ना किया ना प्लीज़, मैंने आपको नोट्स बनवाने हैं बाकायदा। और याद रखिए कि जो भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, चाहे वो FAR-1 हो चाहे वो कॉस्ट हो, पेपर से पहले रिवीजन जो होती है वो इन्हीं रजिस्टर्स को, इन्हीं नोट्स को देख के होती है। आप सवाल तब सॉल्व नहीं कर रहे होते, यही कॉन्सेप्ट्स आपके काम आते हैं। तो मेरी आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि एक साफ सुथरा, एक मेच्योर बंदों की तरह रजिस्टर बनाइएगा और उसको लेके चलिएगा, ठीक है जी? बाकी बातें इंशाल्लाह कल होंगी। अल्लाह हाफिज़।